क्या हाल है आप सबका। तो यार आज एक बार फिर से हम बात करेंगे उस दर्दनाक शोकम बकचोदी के बारे में, जिसे पुलिस वाले आतंकवादियों को दिखाकर टॉर्चर भी कर सकते हैं। गली के खूंखार से खूंखार कुत्ते भी इस शो का नाम सुनकर इतना ज्यादा डर जाते हैं कि बहनचोद पूछो मत। इस शो को बनाने वाले जितने चूतिए होते हैं, इसे मजे लेकर देखने वाले और भी बड़े वाले चूतिए होते हैं। हैशटैग कड़वा है लेकिन सच है। तो पब्लिक द्वारा सबसे ज्यादा गालियां पड़ने वाले इस शो को हम सब बिग बॉस मेरा मतलब कि बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस के नाम से जानते हैं। ऐसा ये कौन सा बिग बॉस है? एक ऐसा शो जो मुझे शोकम चिड़ियाघर ज्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें इंसानों के रूप में मुठलपुर जंगल के सारे जानवरों से मिलवाया जाता है। चिल्लाने वालों से लेकर रोने वालों तक, और गुत्थम गुथाई करने वालों से लेकर भोसड़ी वालों तक, लिटरली हर तरह के जानवरों को दूरदर्शन टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करते हुए हम सबसे जबरदस्ती रू बरू करवाया जाता है। और इस शो का मुख्य चरित्र है स्वयं बिग बॉस, जो बकचोदिया पेलता हुआ एक नायाब किस्म का तीसरी आंख है। एंड इन भाई साहब को हर दो मिनट में कुछ ना कुछ चाहने के दौरे पड़ते रहते हैं। कभी बिग बॉस ये चाहते हैं, कभी बिग बॉस वो चाहते हैं, लंड ले ले मेरा। और घर के सारे लोग किसी सर्टिफाइड गधे की तरह इस बकचोदिया पेलता हुआ आग की हर आदेश का पालन भी करते हैं। धिक्कार है हम पर। अब वो दिन दूर नहीं जब बिग बॉस अपनी ये ख्वाहिश भी घर वालों के सामने रखेंगे। बिग बॉस सभी घर वालों से उनकी गांड चाहते हैं, और मैं ये बात दावे से बता सकता हूँ कि तब भी ये लोग बिग बॉस के सामने अपनी गांड समर्पण करने के लिए लाइनें भरने लगेंगे। एंड उस लाइन में ये भड़वा हमेशा अव्वल आएगा। तो अब समय आता है उस महान व्यक्ति के ऊपर चढ़ाई करने का, जो बाबा अकबर के जमाने से इस टट्टी को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अपने टट्टों को खुजाते हुए जोरदार गालियों के साथ स्वागत करो गधों की पहचान ओवर एक्टिंग की दुकान मिस्टर थुलथुल पांडे उर्फ सेलमोन भाई का, जो स्पेशली जाने जाते हैं अपने प्रो लेवल ड्राइविंग स्किल, एक डाई हार्ट एनिमल लविंग पर्सनालिटी और अपने खुद के द्वारा चोदे गए फिजिक्स लॉस की वजह से। एंड कुछ बहरे लोग इसे अनु मलिक से बेहतर सिंगर भी समझते हैं, क्योंकि सुनाई नहीं देता ना भोसड़ी वालों को। सही पकड़े हैं। इस शो में सेलमोन भाई का बस दो ही मुख्य काम है। पहला, पूरे हफ्ते भर में बिग बॉस के घर वालों ने जो भी बवासीर फैलाया है उसी बवासीर को हर सैटरडे संडे एक बार फिर से दोहराकर पब्लिक का समय बर्बाद करना, और दूसरा, पूरे इंटरनेट में बिग बॉस की प्रमोशन करते हुए भगते रहना। एंड दिल से बताता हूँ, भाईजान अपने इस काम में बहुत मेहनत करता है। और इस बार तो सुनने में ये भी आया है कि बिग बॉस के प्रोमो के दौरान हमारे थुलथुल पांडे जी ने इस बार काफी सारे जोक्स भी मारे हैं। नॉर्मल की वैल्यू सिखाई हम सबको, इतने से भी छोटा जो के दिखता भी नहीं है उसने सिखाया है। पहले बोलते पहले किसने अच्छी किया खासा तो गॉड ब्लेस यू। वाह, कितने टैलेंटेड है हमारे सेलमोन भाई। 0% एक्टिंग टैलेंट, 90% कॉपीड मूवीज और डेड कॉमेडी टाइमिंग, इतने सारे क्वालिटीज का एक लौता मालिक होने के बावजूद भी तुम अगर गूगल में जाकर मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटी टट्टी इन इंडिया सर्च करते हो तो ये जनाब वहाँ पर 3 नंबर पे आते हैं। बहनचोद इसे ही तो कहते हैं जिंदगी में सफल होना। जिंदगी हो तो ऐसी हो जिंदा तो झांट के बाल भी। और चाय के साथ हार्पिक पिलाकर मार देना चाहिए उन लोगों को जो भाईजान की इस जोक पर भी हंस पड़े, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। तो आओ आप चलते हैं उन लोगों के पास जिनके बिना एक चिड़ियाघर लग ही नहीं सकता, मतलब बिग बॉस के सुप्रीमली टैलेंटलेस घर वाले, जिन्हें आजकल लोग प्यार से नल्ले भी बुलाते हैं। सही पकड़े हैं। वैसे तो हर साल बिग बॉस इन नमूनों को चेंज करते रहते हैं, क्योंकि बिग बॉस इंडिया के सारे चूतियों को नेशनल टेलीविजन पर बकचोदी पेलने का मौका बारी बारी करके सबको देना चाहता है। लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ, जिसके चलते बिग बॉस ने 3 पुराने जानवरों को एक बार फिर से अपने चिड़ियाघर में बुला लिया, मतलब वही शो वही लोग और वही बकचोदी। एंड में बस नंबर्स का फर्क है, बिग बॉस सीजन 12, बिग बॉस सीजन 13, और ये वाला मेरा पर्सनल फेवरेट है, बिग बॉस सीजन 14। आए हाय कतई चोद ही दिया। अब इन तीनों को बुलाने तक तो ठीक था, लेकिन बुलाने के 2-3 हफ्तों के अंदर इन दोनों को बाहर भी निकाल दिया जाता है। चूतिया बनाया, बड़ा मजा आया। शो का 90% बजट अगर एक ही बंदे को चाटने के लिए दे दोगे तो बाकी सारों का चूतिया तो ऐसे ही काटना पड़ेगा। थैंक यू बिग बॉस। जिस ईमानदारी से आप सीनियर्स ने अपनी जिम्मेदारी निभाई उसके लिए बिग बॉस आपके आभारी हैं। थैंक यू बिग बॉस। रुको जरा, सबर करो। थैंक यू बिग बॉस। अब आप दोनों घर वालों से विदा लेकर मुख्य द्वार से होते हुए बाहर आ जाएं। इसे कहते हैं फूलों से स्वागत करना और चप्पल मार के बाहर निकाल देना। बड़ी आई थी सीन चेंज करने वाली, अब करो सीन चेंज। अब सीन पलटेगा, सीन पलटेगा। Few inches later, अब आप दोनों घर वालों से विदा लेकर मुख्य द्वार से होते हुए बाहर आ जाएं। प्लीज पार्टनर। अरे पागल हो क्या? Have you gone mad? अरे निक्की, प्लीज प्लीज प्लीज।
प्लीज यार जाने यार फाड़। कितने दुखी है ये नादान परिंदे। इतना दुख तो शायद इन्हें तब भी नहीं हुआ होगा जब इन्होंने पहली बार मैट्रिक फेल किया था। ऐसे ये लोग सबूत है इस बात का, 50 रुपए एक्स्ट्रा पाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। एंड अगर तुम भी एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहते हो लेकिन इनकी तरह जबरदस्ती का रोना धोना किए बिना, तो मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा एप्लीकेशन लाया हूँ जिससे तुम बहुत तरीकों से पैसा बना सकते हो। तो एप्लीकेशन का नाम है विंजो। इस ऐप पर तुम्हें 70 से भी ज्यादा काफी पॉपुलर गेम्स मिल जाएंगे जैसे कि मेट्रो सफर, लूडो, बबल शूटर, क्रिकेट फैंटेसी इत्यादि, और साथ में कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर जैसे गेम्स का टूर्नामेंट्स भी चलता है। यही नहीं, अभी और सुनिए, इनके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पर तुम डेली 50,000 तक जीत सकते हो। एंड इस ऐप को तुम अपने लौंडे लपाटियों के साथ शेयर करके 50 रुपए प्रति शेयर का भी कमा सकते हो, और अपनी कमाई सीधा अपने बैंक या फिर अपने UPI में ले सकते हो। तो अभी जाकर इस ऐप को डाउनलोड करो और 50 रुपए का साइन अप बेनिफिट्स एंड फ्री फैंटेसी टिकट्स भी पाओ। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बस इन्हीं हरकतों की वजह से टीवी पर काम करने वाले 98% लोग कभी अपने जिंदगी में कुछ भी नहीं उखाड़ पाते क्योंकि इन्हें एक्टिंग और ओवर एक्टिंग के बीच में फर्क ही नहीं समझ आता। तो अब वक्त आता है बिग बॉस के उन नए चमचमाते गांडों के बारे में बात करने का जो अपने टैलेंट की बदबू छुपाए नहीं छुपा पाते। और हमारे इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे दौड़ते हुए आती है किसी के भी पहचान में ना आने वाली निकी बड़बोली। नेशनल टेलीविजन पर अपने आप को एक एक्ट्रेस डिक्लेयर करने के बाद जब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी पॉपुलैरिटी इस देश में दीपक कलाल से भी कम है, तब गधे की बुड़ में अपना सर डाल के अपने प्राणों को त्याग देना चाहिए। अंदर की बात है। अगर तुम्हें पता ना हो तो बोल्ड लुक्स एक ऐसी निंजा टेक्निक का नाम है जिसके मदद से लड़कियां अपने डेड इंस्टाग्राम अकाउंट को जिंदा करती है। लेकिन अफसोस, इस निंजा टेक्निक का इस्तेमाल बस लड़कियां ही कर सकती है क्योंकि दीपक कलाल को ब्रा पैंटी में देखकर तुम चप्पल मार सकते हो लाइक नहीं। भोसड़ी वालों, तुमने छोटा भीम हॉट सेक्सी रोमांस विद राजकुमारी इंदुमती सर्च किया, मैंने सह लिया। तुमने डोरेमोन हॉट सेक्सी रोमांस विद सुजुका सर्च किया, मैंने वो भी सह लिया। लेकिन तुम्हारे इस हरकत के लिए बेगम मिया खलीफा तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। और दीदी, आप भी इस गलतफहमी में मत रहिए, बोल्ड लुक्स की वजह से लोग आपके दीवाने हैं। क्योंकि बोल्ड लुक्स का दीवानापन बस 2 से 2.5 मिनट तक ही टिकता है, उसके बाद सारा दीवानापन फ्लश करके बाहर दिया जाता है। समझ रहे हो ना। इस हवे में उड़ती हुई लड़की और हमारे बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ पॉलिटिशियंस में कोई फर्क नहीं है क्योंकि इन दोनों को ही एक तरफा कहानी सुनाकर चरम सुख प्राप्त होता है। दीदी ने ये तो आराम से बता दिया कि इसने बहुत सारे लड़कों के दिल तोड़े हैं, लेकिन उन बहुत सारे लड़कों ने इसके क्या क्या तोड़े हैं वो नहीं बताएगी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और मेरा भी आपके लिए एक छोटा सा मैसेज है कि कृपा करके हमारे दिल के साथ ना खेले, कोई ऐसी चीज के साथ खेले ताकि हमें भी थोड़े बहुत मजे आए। बड़ा हरामी हो बेटा। तो लड़के जो आप पर लाइन मारते हैं, ये इतने हेल्पलेस क्यों हो जाते हैं आपको देखकर? मैं बहुत फनी हूँ, मैं बहुत बबली हूँ, लड़कों से मेरे को फ्लर्ट करना नहीं आता, बट मैंने स्पेशली सीखा है। फ्लर्ट करना कोई चूतिया एक्टिविटी नहीं, फ्लर्ट करना एक कला है जिसे इसने बाबा भोसड़ी वाले की शरण में जाकर डेडिकेशन के साथ सीखा है। कभी कोई बॉयफ्रेंड है आपका? सिंगल हूँ मैं। समझ लो तुम किसी लेडीज हॉस्टल के सामने खड़े और वहाँ पर किसी लड़की के सामने जाकर तुम ये पूछते हो, बहन जी क्या आप सिंगल हो? वो लड़की ऐसे पिलपिलाते हुए तुम्हें जवाब देती है, सिंगल हूँ मैं। तो फिर समझ जाओ कि तुम्हें अपने लेफ्ट हैंड को आराम देने का समय अब आ चुका है। कभी कोई बॉयफ्रेंड है आपका? सिंगल हूँ मैं। टॉमी। हाँ जी सर जी। अभी के अभी हमारे फार्म हाउस जाने का प्रबंध किया जाए, हम बेटी निकी को अपना फार्म हाउस दिखाना चाहते हैं। मैं मेरी थॉट्स में बहुत ही सिंपल हूँ एंड मुझे सिंपल खुशियां बहुत ज्यादा पसंद आती है। आप इससे मिलो जिसे इस पूरी दुनिया के कुछ लोग राहुल वैद्य के नाम से जानते हैं। मटेरियलिस्टिक चीजों का बहुत ज्यादा भूखा नहीं हूँ। मैं गाड़ियों का थोड़ा बहुत शौक रखता हूँ। आई लाइक हैविंग द मोस्ट अपडेटेड फोन। मुझे घड़ियां बहुत पसंद है। अबे सैनिटाइजर से गाड़ धोने वाले अमीर इंसान, सबसे पहले कंफर्म हो जाओ कि तुम कहना क्या चाहते हो। पहले बोलते हो कि तुम्हें सिंपल खुशियां ज्यादा पसंद आता है और ये बोलने के तुरंत बाद तुम्हें गाड़ियों का शौक चढ़ जाता है। सर से लेकर पैर तक पहनने के लिए घड़ियों का कलेक्शन भी रखते हो और तुम्हें मोस्ट अपडेटेड फोन्स भी रखना पसंद है। एक
एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तुम्हारे इस लॉजिक के साथ चले तो मुझे भी पोर्न देखने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मिया खलीफा एंड डैनी डेनियल्स मेरा फेवरेट इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज है। कोई सेंस है इस बात? ठीक वैसे ही इसके इस बात के साथ, इन बातों का भी कोई सेंस नहीं बनता। एंड इस चमन चूतिए का फेवरेट एक्टिविटी है लंदन में जाकर घास में लेटे रहना। लंदन में जो हाइड पार्क है वहाँ पे सोते रहना, ग्रास पे, सबसे फेवरेट एक्टिविटी है मेरी। क्या सीन है, क्या सीन है। मैं आपकी पहली पत्नी हूँ, भूल गए क्या मुझे? बिग बॉस आप टकले भी हो गए। राखी सावंत एक ऐसी लड़की जिसका नाम अगर तुम अपने घर के कोनों में जाकर लेते हो तो घर के सारे मच्छर तभी के तभी तुम्हारे खिड़की से कूदकर अपना जान दे देंगे, क्योंकि काला हिट से भी ज्यादा जहरीली है ये लड़की। और इस पुतले ने तो इस चलती फिरती काला हिट की बोतल को कुछ ज्यादा ही सामने से सूंघ लिया है, तो इस बेचारे की आगे की कहानी का अंदाजा तुम अपने हिसाब से लगा सकते हो। अफसोस मुकेश बच नहीं सका। अंडे भी फूटे हुए क्या? किसी सुअर को अपने आप को डायनासोर कहते हुए मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ, और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि डायनासोर अब इस दुनिया में नहीं रहे, वरना अगर किसी डायनासोर ने इसे इस बकचोदी को पेलते हुए देख लिया होता तो भैया आज राखी सावंत की इज्जत यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाता, क्योंकि एक बार मर जाने के बाद हर किसी को इज्जत दिया जाता है। सही पकड़े हैं। अब इनके अलावा और भी कुछ लड़कियां हैं शो में जिन्हें बिग बॉस ने बहुत ही अरमानों के साथ बुलाया है अपने परंपरागत मुजरा पेशकश कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। रूपाली पकड़ मेरी डाली, ए रूपाली बनो तुझे रानी, ए रूपाली ए रूपाली ए रूपाली यो यो बंटा रैपर। बिग बॉस के इन्हीं हरकतों को देख करके मुझे कभी कभी ये लगता है कि बिग बॉस को अपना नाम बदलकर बैंक ब्रोस रख देना चाहिए, कम से कम कंटेंट के साथ टाइटल मैच तो करेगा। उसके बाद Then after. और इनके अलावा कुछ लड़की कम लड़के भी है शो में जिन्हें मैं इग्नोर करना ज्यादा पसंद करूंगा। अरे माना कि हम फ्री बैठे हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि किसी के भी बारे में बात करके टाइम पास कर ले। हैशटैग फ्री तो है लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। तो खैर यार आज के लिए बस, अब उम्मीद तो यही है कि तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो यार प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी कर दो, और अगर तुम्हारा मन हो तो तुम मुझे बाकी सब जगह पर भी फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। बातें मेरी लगती इनके दिल पे ऐसी जैसे खंजरों से, कंजरों को मारूं मैं सुधारूं इनको, जिनको बनना फन्ने का है लिखने बैठ कलम लेके ये नशे में, इनको ये भी ना पता है इनके बनने का है। कह दिया था पहले ही की बात ये नमक सी।